जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं शनिदेव की यह कहानी, शनि का रंग काला क्यों है। इस बारे में एक कथा है प्रचलित। शनिश्चर की शरीर कांति इंद्र नीलमणि के समान है। इनके सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित है। इनका वर कृष्ण वाहन गिद्ध तथा रथ लोही का बना हुआ है। शनि भगवान सूर्य तथा संज्ञा के पुत्र हैं। शनि के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधिदेवता यम हैं। यह एक एक राशि में 30-30 महीने रहते हैं। यह मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनका प्रभाव एक राशि पर 2.5 वर्ष और 7.5 साथी के रूप में लंबी अवधि तक भोगना पड़ता है। शनिदेव भगवान शिव के अत्यंत भक्त हैं। शनिदेव का रंग काला क्यों है, इस बारे में यह कथा प्रचलित है। जब शनिदेव माता के गर्भ में थे, तब शिव भक्तनी माता ने घोर तपस्या की। धूप गर्मी की तपन में शनि का रंग काला हो गया, लेकिन माँ के इसी तप ने उन्हें अपार शक्ति दी। शनि देव की गति अन्य सभी ग्रहों से मंद होने के कारण इनका लंगड़ाकर चलना है। वे लंगड़ाकर क्यों चलते हैं, इसके संबंध में सूर्य पुत्र में एक कथा है। एक बार सूर्य देव का तेज सहन न कर पाने की वजह से संज्ञा देवी ने अपने शरीर से अपनी जैसी ही एक प्रतिमूर्ति तैयार की और उसका नाम स्वर्णा रखा। उसे आज्ञा दी कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी सारी संतानों की देखरेख करते रहना, सूर्यदेव की सेवा करना और पत्नी सुख भोगना। ये आदेश देकर वह अपने पिता के घर चली गई। स्वर्णा ने भी अपने आप को इस तरह ढाला कि सूर्यदेव भी यह रहस्य न जान सके। इस बीच सूर्यदेव से स्वर्णा को 5 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। स्वर्णा अपने बच्चों पर अधिक और संज्ञा की संतानों पर कम ध्यान देने लगी। एक दिन संज्ञा के पुत्र शनिदेव को तेज भूख लगी थी, तो उसने स्वर्णा से भोजन मांगा। तब स्वर्णा ने कहा कि अभी ठहरो, पहले मैं भगवान का भोग लगा लूं और तुम्हारे छोटे भाई बहनों को खिला दूं, फिर तुम्हें भोजन दूंगी। यह सुनकर शनि को क्रोध आ गया और उन्होंने माता को मारने के लिए अपना पैर उठाया, तो स्वर्णा ने शनि को श्राप दिया कि तेरा पांव अभी टूट जाए। माता का श्राप सुनकर शनि देव डर कर अपने पिता के पास गए और सारा किस्सा कह सुनाया। सूर्यदेव तुरंत समझ गए कि कोई भी माता अपने पुत्र को इस तरह का श्राप नहीं दे सकती, इसलिए उनके साथ अपनी पत्नी नहीं कोई और है। सूर्यदेव ने क्रोध में आकर पूछा कि बताओ तुम कौन हो। सूर्य का तेज देखकर स्वर्णा घबरा गई और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। तब सूर्यदेव ने शनि को समझाया कि स्वर्णा तुम्हारी माता नहीं है लेकिन माँ समान है, इसीलिए उनका दिया श्राप व्यर्थ तो नहीं होगा, परंतु यह इतना कठोर नहीं होगा कि टांग पूरी तरह से अलग हो जाए। हाँ, तुम आजीवन एक पांव से लंगड़ा कर चलते रहोगे। शनिदेव पर तेल चढ़ाया जाता है। इस संबंध में आनंद रामायण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। जब भगवान की सेना ने सागर सेतु बांध दिया, तब राक्षस इसे हानि न पहुंचा सके, उसके लिए पवन सुत हनुमान को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव राम के ध्यान में मग्न थे, तभी सूर्य पुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्ण कहा, हे बानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है
तुम बहुत बलशाली हो, आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए, आप मेरे आदरणीय हैं, कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। जब शनिदेव लड़ने पर उतर आए तो हनुमान जी ने अपनी पूछ में लपेटना शुरू कर दिया, फिर उन्हें कसना प्रारंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न हो सके, पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान ने फिर सेतु की परिक्रमा कर शनि के घमन को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूछ को झटका दे दे पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए, मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। इस पर हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे वचन दोगे कि श्री राम के भक्त को कभी परेशान नहीं करोगे। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। शनि ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं वचन देता हूँ कि कभी भूल कर भी आपके और श्री राम के भक्त की राशि पर नहीं आऊंगा, आप मुझे छोड़ दें। तभी हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया। फिर हनुमान जी से शनिदेव ने अपने घावों की पीड़ा मिटाने के लिए तेल मांगा। हनुमान जी ने जो तेल दिया उस घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। शनिदेव जी की दृष्टि में जो क्रूरता है वह इनकी पत्नी के श्राप के कारण है। ब्रह्म पुराण में इनकी कथा इस प्रकार आई है, बचपन से ही शनि देवता भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहा करते थे। व्यस्क होने पर इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया। इनकी पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्वी थी। एक रात वह ऋतु स्नान करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इनके पास पहुंची, पर यह श्री कृष्ण के ध्यान में निमग्न थे। इन्हें ब्रह्म संसार की शुद्धि ही नहीं थी। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई, उसका ऋतु का निष्फल हो गया, इसलिए उसने क्रुद्ध होकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देख लोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया, पत्नी को भी अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार की भक्ति उसमें न थी। तभी से शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि यह नहीं चाहते थे कि इनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी सकट भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्ष घोर दुर्भिक्ष पड़ जाए और प्राणियों का वचन ही कठिन हो जाए। तो शनि ग्रह जब रोहिणी का भेदन कर बढ़ जाता है तब यह योग आता है। यह योग महाराज दशरथ के समय में आने वाला था। जब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ से बताया कि यदि शनि का योग आ जाएगा तो प्रजा अनुजल को बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने के लिए महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुंचे। पहले तो महाराज दशरथ ने शनि देवता को नित्य की भांति प्रणाम किया और बाद में क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर संहारास्त्र का साधन किया। शनि देवता महाराज की कर्तव्य निष्ठा से परम प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य नक्षत्र आदि विद्यमान है तब तक आप संकट भेदन न करें।
सनीदेव ने उन्हें बर देकर संतुष्ट कर दिया। अतः कहा गया है कि शनि क्रूर ग्रह नहीं है, वे न्याय करता है। व्यक्ति पाप करता रहता है और जब उस व्यक्ति पर शनि की साढ़ी साती आती है तो उसके पापों का हिसाब स्वयं शनिदेव करते हैं। जब आप लोभ हवस गुस्सा मोह से प्रभावित होकर अन्याय अत्याचार दुराचार अनाचार पापाचार व्यभिचार को सहारा देते हैं, जब सबसे छिपकर कोई पाप करते हैं तब भी शनिदेव सब देखते रहते हैं और समय आने पर आपको दंड भी देते हैं। लेकिन यदि साढ़े साती दशा के दौरान भी आप सत्य को नहीं छोड़ेंगे, पुनः दया और न्याय का सहारा लेंगे, सब बहुत अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। उपरोक्त कथा के अनुसार शनि की अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि है। शनि अच्छे कर्मों के फलदाता भी हैं, शनि बुरे कर्मों का दंड भी देते हैं। अतः ठीक ही कहा गया है, जीवन के अच्छे समय में शनि देव का गुणगान करो, आपातकाल में शनि देव के दर्शन करो, मुश्किल पीड़ादायक समय में शनि देव की पूजा करो, दुखद प्रसंग में भी शनि देव पर विश्वास करो। जीवन के हर पल शनि देव की प्रति कृतज्ञता प्रकट करो।